चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले है ये ST ग्राफ फॉर टू पार्टिकल ए एंड बी शोन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये पहले भी शायद डिस्कस किया था कहीं पे। तो वेलोसिटी ऑफ ए और बी का रेशियो निकालना है, तो इनके स्लोप के रेशियो के बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका वाला स्लोप ए की वेलोसिटी, ये वाला ए है तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, उसका स्लोप tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये 1/3 इसका आंसर आएगा, है ना। ये रेशियो है, इसी का आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ST graph of a particle motion shown in figure. Calculate total distance, displacement, average speed, average velocity. तो ये भी एक basic conceptual question है। मतलब इसमें चारों type के question पूछ लिए हैं। मतलब इसीलिए perfect है कि हर type के question cover हो रहे हैं। जैसे ऐसे चार type के objective question बन सकते थे, चार type के इसने दे रखे हैं। Very good. और general case consider किया है। थोड़ा सा zoom कर लेता हूँ इसको। तो इसमें तो इसका area निकाल लो, है ना, इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये हो जाएगा रेड वाला हाफ बेस, इन बेस कितना है, बेस 4 है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट 40 है, 4 × 40, ठीक है, हाफ 4 × 40। तो 4 × 2 = 4 हो जाएगा, ये कैंसिल कर दो। तो बस गलती को बता देना, तो ये एरिया आ जाएगा 80 मीटर, ठीक है। ये एरिया आ जाएगा 80 मीटर ऊपर वाला, आई होप, ठीक है। ऊपर वाला एरिया 80 मीटर आ जाएगा। नीचे वाला देख लो, नीचे वाला हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है यहाँ पे, हाफ बेस, बेस कितना है, 6 − 2 = 2, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और इनटू 20, हाफ बेस इनटू 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 ये XT ग्राफ है, सॉरी बताया नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं। ये इसका एरिया नहीं निकालना है, तो मैं समझा VT ग्राफ है, तो इसका एरिया वेरिया निकालने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना कौन सा ग्राफ है, ऐसे आँख बंद करके ना करने लगना। तो ये XT ग्राफ है, अब मेरा ध्यान दिया, ST ग्राफ है। तो ऐसे ही जल्दी में मेरी तरह तुम भी गड़बड़ करना शुरू कर दोगे, ये बहुत गलती होती है। BT ग्राफ लगता है, ट्रेडिशनली BT ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, फटाफट कर दिया, मगर यहाँ पे तो ST ग्राफ है। तो टोटल डिस्टेंस देखना है, तो टोटल डिस्टेंस इसमें इस तरह के शुरू में क्वेश्चन बहुत कराए थे मैंने, याद करो। तो इसका मैंने, इसका याद करो, मैंने ट्रैक टाइप का बनवाता हूँ मैं तुमसे, इसको सही से समझने के लिए, याद आया होगा इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शायद रिवीजन जब चल रहा था नीट वालों को जब शुरू किया था, तो उन्हें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करवाए थे। ये ST ग्राफ है, है ना, VT ग्राफ नहीं है। VT ग्राफ है तो एरिया करना होता है, तो तुम इसीलिए तुमको बैठाया कि तुम जल्दी से बता पाओ, किसी ने बताया भी नहीं, बता दिया करो भाई ऐसी चीज़ें, पता लगा पूरा सवाल कर लेता फिर तुम बोलते। ये तो अच्छा रहा मुझे बीच में ध्यान आ गया कि ये ST ग्राफ है। इसी चीज़ को देखो खाली बैठे हो, इसी चीज़ को ध्यान से देखो, है ना, इसीलिए तुम्हें सुबह से उठाया कि ध्यान से देखो, वरना मैं अकेले भी वीडियो बना सकता था। अकेले सब उल्टा सीधा गलत बनता है, ऐसे एक बार तो गलत होता ही है, ठीक है। तो जीरो, यहाँ पे जीरो आगे, बहुत ध्यान से देखो सब सो रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो ऐसे, और ये पॉजिटिव में आगे बढ़ रहा है इस तरह के, तो पार्टिकल पॉजिटिव में ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव में प्लस 40 तक जाएगा। पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने ऐसे शायद कर भी लिया हो, VT ग्राफ के नीचे का एरिया प्लस 40, और फिर आएगा ये प्लस 40 पे कब पहुंचेगा, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे प्लस 40 पे, फिर 40 कम होना शुरू होगा, 4 सेकंड पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये पलटी मारेगा, 2 सेकंड पे पलटी मारेगा,
नहीं 2 सेकंड पे पल्टी नहीं मारेगा, 2 सेकंड पे, हाँ 2 सेकंड पे पल्टी मारेगा। एक्स की वैल्यू जब कम होना शुरू होगी और 4 सेकंड तक वापस आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 सेकंड पे होगा। 2-3 सवाल शुरू में कराए थे इसके, फिर नेगेटिव में पीछे -20 की तरफ जाएगा, नेगेटिव में -20 तक जाएगा, आधा जाएगा। मतलब इसको बिना बनाए कर लो तब भी चलेगा, मगर बनाने से अच्छा रहता है, बनाने से गलती होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। -20 और समझ में आसानी से आता है। -20 meters तक जाएगा और ये 5 सेकंड पे ऐसा होगा, ये XT, ये पोजीशन टाइम ट्रैक बनाना पड़ेगा। उसके बाद 5 सेकंड तक हुआ, फिर 6 सेकंड पे फिर वापस आ जाएगा 0 पे, 6 सेकंड पे 0 पे, ठीक है, ओरिजिन पे वापस आ जाएगा। अब सवालों के जवाब दो। क्या सवाल है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितनी होगी, है ना, 40 इधर, 40 ये वाली, 40 meters, हाँ हाँ 40 आगे 40, हाँ 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 ठीक है, 40 आगे 40 पीछे 80 हो गई, 100 आई, 80 120 है ना, 100 नहीं 120, 40 80 और 20 इधर, 20 पीछे, -20 meters, इसमें साइन नहीं लेते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस है, तो 120 meters होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी, 120 meters, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जल्दी बताओ, हाँ जीरो, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नहीं मुझे लगा इसमें 140 कोई बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट 0 meters होगा। ऑब्वियसली एवरेज स्पीड होगी 120 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है 6 सेकंड तक, है ना। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड की वैल्यू यहाँ पे इधर देखो एरो देखे, एवरेज स्पीड की वैल्यू, एवरेज स्पीड की वैल्यू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सो इट इज 120 डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी 20 meters per second। ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दिमाग नहीं लगाना इसमें। अच्छा अच्छा, इसीलिए कह रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी जो है, ये अलग क्वेश्चन, ये रिलेटिव वेलोसिटी का इतना नहीं है एक्चुअली। मैं रिलेटिव वेलोसिटी में जानबूझ के इसलिए नहीं चेंज शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वैसे हो सकता है, मतलब मैं इजी इजी चीज़ें करा दूँ जो बहुत इजी चीज़ें हैं, मगर फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर मैं उसके वहीं पे मैं स्यूडो फोर्स में जाऊँगा। और एक दो रीज़न मेरे पुराने एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक मैं स्यूडो फोर्स पे पहुँचता हूँ लोग रिलेटिव वेलोसिटी भूल जाते हैं, तो इसलिए स्यूडो फोर्स के साथ रिलेटिव वेलोसिटी कराऊंगा। और वैसे टेक्निकली देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिक कंसेप्ट से ही शुरू होती है, है ना। हालांकि उतना तो मैं डिटेल डेप्थ में नहीं जाना है, मगर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ये है, वो एक अलग एरा हो जाता है ना, अलग एरा हो जाता है, उसमें फिर कंसेप्ट भी अलग, मतलब एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स होती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल होते हैं वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में नहीं लगते हैं, तो एक अलग सेक्शन ही हो जाता है। तो ये तो हमारा सिलेबस पुराना चल रहा है, इनको मॉडिफाइड करना चाहिए, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स अलग से एक टॉपिक होना चाहिए। वो किताबों में ऐसे दे दिया है तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंपल रूल जो अभी जो रूल पढ़ रहे हो ना, अभी जो रूल पढ़ रहे हो वो रिलेटिव मैकेनिक्स में नहीं लगेंगे, वो डिफरेंट रूल हो जाएंगे, है ना। तो वो थोड़े से रूल डिफरेंट हो गए तब तुम्हें दिक्कत होती है कि रूल बदलने लगते हैं ना, इसके रूल उसमें नहीं लगते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। और ये कोई ऐसा रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल नहीं है, इसमें सिंपल चीजें हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ, ये शायद एनसीईआरटी में भी दिया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये कोई खास नहीं है। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ चिल्ड्रन ए एंड बी, चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, ओ रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल, देयर ओ देयर होम्स पी एंड क्यू। तो इसको पहले, सबसे पहले इसको पोजीशन वाइज बना लो, है इसको मैंने बताया, इसको हमेशा जो एक्सटी ग्राफ हो, एक्सटी ग्राफ को एनालाइज करने के लिए सबसे पहला काम वही किया करो जो पिछले क्वेश्चन में किया है, तो तुम्हें रियल में फीलिंग आ जाएगी, डायरेक्टली ग्राफ से सॉल्व मत किया करो, तो रियलिस्टिक फीलिंग आ जाएगी। तो ये सिंपल ग्राफ के उसके कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट नहीं लगे, कोई ऑब्जर्वर चेंज नहीं करना हमें, सिंपल वाले कांसेप्ट लगा करना है। और रिलेटिव वेलोसिटी के बहुत सारे सवाल सिंपल से हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर चेंज करना जरूरी नहीं है, उसमें ऑब्जर्वर चेंज करना पड़ता है बस, ये
तो ऑब्जर्वर चेंज करने पे रूल बदल जाते हैं। जैसे इसी तरह की बात है, जैसे सपोज करो हम अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ स्टेशनरी है, जैसे ही हम अर्थ से ऊपर जाएंगे थोड़ा सा ऊपर स्पेस स्टेशन में, अर्थ रोटेट करने लगेगी, मतलब फिर आंसर एकदम डिफरेंट आएंगे। तो यही कंफ्यूजन है। तो तुम कहोगे अभी तक अर्थ स्टेशनरी थी, अब रोटेट कर रही है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स व्हाई। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही सिंपल तरीके, तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, तो इसका घर कहाँ पर है? टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग देयर स्कूल, तो कहीं पर स्कूल होगा, स्कूल बना लो, ठीक है। स्कूल ओ से दिखाया है, ये ओ से उसको लाइन में ऐसे दिखाओगे, ओ ओ यहाँ पर है, मतलब ओ ओरिजिन पे है, ठीक है। देयर स्कूल रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल टू देयर होम्स एंड पी एंड क्यू, तो एक एक का घर यहाँ पर है, एक पास में है, पी पास में होगा ऑब्वियसली, है ना, पी का एक्स का वैल्यू कुछ कम होगा क्यू से, तो पी का घर पास में होगा और क्यू का घर दूर में होगा, ये तो सिंपल है। तो ओ जो है स्कूल हो गया, इसको एस सी एच लिख लो, एस एस फॉर स्कूल, और दोनों का स्कूल एक जगह है। मैं थोड़ा सा इसमें कलर अलग अलग यूज कर लू तो आसानी रहेगी। दोनों का स्कूल एक जगह है, एक का घर पी है और एक कुछ अलग ब्लैक कलर लेता हूं, एक का घर क्यू है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस ये उसका रिटर्न ऐसे कन्वर्ट कर लो, सीधे इससे एनालाइज मत करना, ग्राफ से सीधे करने लगो। पी एन एशो ने फिगर, ए एन बी लिव्स क्लोजर टू, ए एन बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी एन ए, A A comma B lives closer to the B, A comma B क्या होगा? This is A comma B, तो इसको घर पहुंचना है, ये A वाला ना, पहला वाला A वाला है, two children A, तो ये A का घर है green वाला, और ये B का है, ठीक है। A with respect to B, अगर A B के रिस्पेक्ट में देखोगे तो A B के रिस्पेक्ट में इधर है, देखो A का घर B के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर A का घर B के रिस्पेक्ट में देखोगे, B से A का घर, सिंपल चीजें हैं, मैं इसको ये है A का घर B के रिस्पेक्ट में, और ये वाला घर है बी का घर ए के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर है, ए का घर बी के रिस्पेक्ट में और बी का घर ए के रिस्पेक्ट में, दोनों बराबर चीजें होंगी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक सेकंड, ये किसका सिक्स क्लास का, एक सेकंड, इसका साउंड व्हाट्सएप कर दो बंद, अदरवाइज सुबह सुबह ना। तो ये दोनों बराबर होगा सीधा ना, इसका इसका मतलब क्या होगा, ए का घर बी के रिस्पेक्ट में एंड बी का घर ए के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो सेम ही है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, देन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल देन अर्लियर देन बी, ये वाला समझ नहीं, अरे सीधा है ना, ए का घर बी का, चूज करना, यस सर ऑप्शन चूज करना, ए या बी, अच्छा चूज करना था ए एंड बी, कौन सा चूज द करेक्ट आंसर, तो ये तो गलत होगा ना, ऐसा बताना है कि ए या बी, सो ए लिव्स क्लोजर देन बी, ऐसा, अच्छा ऐसा बता रहे, ऐसा बता रहे, इसीलिए तुमको रखा है, हाँ ए रिलेटिव टू बी नहीं पूछ रहा, सॉरी, हाँ मैं फालतू में रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा दूंगा, क्योंकि रिलेटिव में भी ऐसे ही लिखना, तो बहुत ही आसान है, हाँ मुझे भी ये लगा था, एक मिनट रुक जाओ, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है।
तो पता नहीं किसने, रिलेटिव इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा, कभी कभी उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। हाँ ये कह रहा है कि ए या बी, ए बी लिव्स क्लोजर, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है ना कौन सा पास में रहता है, ये वाला हरा वाला कौन सा है, ए है, ए किसका है, हरा वाला है, और बी बी कौन सा है, ये वाला बी, क्यू वाला, क्यू का बी है, देयर होम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ये बी है, इसको ब्लैक से कर दो, तो ये तो दिख ही गया इसमें कौन पास रह रहा है, साफ साफ दिख गया। ए या बी लिव्स क्लोजर देन स्कूल बी एंड ए, तो ए बी के रिस्पेक्ट में ये इसका घर है, ए स्कूल के पास है ना, ए वाला पास में है, बी दूर है, सिंपल बात है, तो हो गई। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये तो सही है ना, ये वाला सही है। फिर ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल, और कौन सा पास रह रहा है, ए पास है ना स्कूल के, ए बी के रिस्पेक्ट में, तो सीधा बात है ए पास में सीधा नहीं। हाँ तो ये सही है ना, ए वाला सही है, वो भाई ऐसे नहीं करना क्रिश, एक चूज नहीं करना है, एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, एक चूज नहीं करना है, है ना। तो ए बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए बी से ज्यादा, ए पास में रहता है बी के रिस्पेक्ट में, बी ए के रिस्पेक्ट में दूर रहता, हो गई बात, है ना, बी ए के रिस्पेक्ट, हाँ बी ए के रिस्पेक्ट में दूर है, ए बी के रिस्पेक्ट में पास है, स्कूल के पास है, ये सिंपल सी बात है, ए और बी में से कौन पास रहता है, सिंपल सी बात है, तो ए और बी में से ए पास रहता है, वो लिया है। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब ये देखना है ये वाला कब स्टार्ट हुआ, ये सिंपल सी बात है, ये ए जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हुआ, स्कूल से, दोनों स्कूल से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, ये देखो, तो ये तो साफ साफ है, सिंपल सिंपल ग्राफ रीडिंग है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ग्राफ रीडिंग है, ठीक है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ए जो स्टार्ट हुआ, ए का ट्रैक मैं ऐसे बनाता हूँ ग्रीन कलर से स्टार्ट चलेगा, मगर दोनों साथ में नहीं चलेंगे, ए कब चला, यहां से ग्राफ देखो, टी इज इक्वल टू जीरो पे चला, ये एनसीआरटी के क्वेश्चन है, एनसीआरटी में ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन है ए, और बी कब चला, बी भी चला मगर बी टी इज इक्वल टू जीरो पे नहीं चला, ठीक है, बी कब चला, ये टाइम है, ये टाइम की कुछ वैल्यू हो सकती है, कुछ भी मान लो 10 सेकंड मान लो, ठीक है 10 सेकंड, तो ये वाला कब चला, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड पे चला, तो पहले कौन चला, ऑब्वियसली पहले जीरो वाला चला, है ना, ये देर में चला ना, 10 सेकंड बाद चला, तो ये ऑप्शन भी, ए बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, ए जो है वो पहले चला, बी बाद में चला, ठीक है, तो ये भी सही है, ए पहले चला, बी 10 सेकंड बाद चला। सर पर हमें तो उस ब्रैकेट में जो राइट है वो चूज करना है ना, अब उस ब्रैकेट में ऑप्शन ए कॉमा बी, या तो ए होगा या तो बी होगा, अच्छा ये वाला ऐसा ऐसा चूज करना है, हाँ तो ये वाला चूज कर लो, पहले वाले में ये चूज कर लो ना, ये चूज कर लो, है ना, ये चूज करो, ऐसे है ना, ऐसा नहीं, ए या बी में से, हाँ क्लोजर टू द कोई भी ए या बी में से कोई एक ही होगा, मतलब दूसरे वाले में ऐसा हो सकता है कि ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, हाँ तो ए जल्दी शुरू हुआ ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे शुरू हुआ, तो इसका ये, इसका भी ये वाला स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, ये भी सही है, कोई एक चूज करना, कोई एक नहीं चूज करना है, सारे में से सही और गलत बताने, एक से ज्यादा है, ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें है ना वो हर एक क्वेश्चन में बी क्वेश्चन है, तो ए और बी में से कोई चूज करना, हाँ तो ये चूज कर लिया ना, ग्रीन वाला चूज कर लिया ना, ये चूज वाले तो लिखे है ना, ए और बी, ये पहला वाला, ये बी विथ रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन में लिखा है चूज करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो, मतलब जो ब्रैकेट में दो ऑप्शन है तो हमको ये ए चूज करना है या फिर बी चूज करना है, तो ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, तो पहले वाले ब्रैकेट में हमको ए चूज करना है और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमको बी चूज करना है, हाँ तो वो चूज किया हुआ ना इसने, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा ना, ये सही तो है, ये इसमें इसमें से और इसमें से एक चूज करना है, पहले बोल रहे थे ना वो सही है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो सारी सही है लेकिन हमको बनानी है उसे सही, हाँ तो ये तो स्टेटमेंट इससे बना लो ना, ये तो ए वाला होगा ना, ए बी के, ये तो साफ साफ है,
यहां से ए लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा ना, या यहाँ पे ए लिख लो, खत्म बात, ए लिख लिया अगर इसमें, यहां भी ए है, ए स्टार्ट अर्लियर होता है, जैसे मर्जी हो लिख लो उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ठीक है, जैसे भी दोनों सही है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख दो, या ए ऐसे भी चलेगा ऐसे भी चलेगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अच्छा ए बी के ये एक सीधी सी बात है, कौन सा जो है क्लोजर रहता है, ए अच्छा लगा तो ए कर लो, इसमें क्या है ए बी वॉक फास्टर देन बी, अब सिंपल सी बात है, जो है अगर दोनों को यहां पर पहुंचना है, ठीक है होम इतना, दोनों को इस जगह पर पहुंचना है, यहां पर दोनों मिलते हैं, ये वैसे एक्सटी ग्राफ के स्लोप से भी निकाल सकते हो, यहां पे एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, तो इसका स्लोप ज्यादा है ना, बी का स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो ऑब्वियसली बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसमें बी चूज कर लो, है ना, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फास्टर होगा, इसमें बी चूज कर लो, ठीक है ऑब्वियसली बी, और वैसे भी इसमें वैसी जरूरत नहीं है, तुम कॉमन सेंस भी लगाओगे, कॉमन सेंस भी लगाओगे, जो लेट होगा वो जल्दी जल्दी चलेगा ना, उस वहीं पे अगर एक ही जगह पे दोनों को पहुंचना है तो जो थोड़ा लेट होगा वो फटाफट चलेगा, ठीक है, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहां से देख लो बी की वेलोसिटी ज्यादा है, जो जल्दी चलेगा वो धीमे धीमे आराम चलेगा। ए एंड बी रीचेस होम एट द सेम टाइम, ए एंड बी रीचेस होम एट द सेम टाइम, सेम टाइम, वो ग्राफ तो पढ़ ले पहले, ग्राफ तो ऐसे आंसर आंसर मत दे, ध्यान से, दोनों का घर कहां पे है, ये दोनों का देख लो ना, दोनों का घर कहां पे है, पहले देख लो ग्राफ को, एक का घर पी पे है, सर ए का घर पी पे और बी का क्यू पे है, तो पी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक मिनट मैंने कलर भी अलग देखा, इससे वर्टिकल ग्राफ को सीधे पहले क्या कर देता ये क्या है, हाँ तो यहां से देखो पी के लिए मैंने ग्रीन लाइन चूज कर रखी है, तो पी के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये यहां से घर ये है ना, पी का घर ये है, हाँ तो दोनों की वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट से जाएगी, ठीक है पी और क्यू वर्टिकल लाइन, इसको हटाओ साउंड ज्यादा हटाओ, अच्छा हाँ आपसे खींच देता हूँ एक सेकेंड, ये यहां से वर्टिकल लाइन खींचो, पी पी पोजीशन ये घर, इसका घर ये है, तो ये पी के लिए हो गया और ये क्यू के लिए हो गया, तो दिख रहा है दोनों को टाइम सेम लगा, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ए एंड बी रीचेस होम सेम, डिफरेंट नहीं, यहां पे डिफरेंट कार्ड दो सेम होगा, यहां पे डिफरेंट कार्ड दो सेम होगा, ए एंड बी ओवरटेक बी ऑन ए ऑन द रोड वंस ट्वाइस, ओवरटेक कहां पे करते हैं, ओवरटेक का मतलब है एक जगह पे दोनों की पोजीशन सेम हो जाती है, वहीं पे ओवरटेक, इन दोनों की पोजीशन जहां पे सेम होती है वो ओवरटेक पॉइंट होगा, तो सिर्फ एक ही बार ओवरटेक कर रहे हैं, दिख रहा है एक जगह, मतलब अगर एक पॉइंट पे कट करेंगे तो एक ही बार ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक होने का मतलब है पोजीशन सेम होना, ओवरटेक का मतलब है सेम पोजीशन, है ना, ओवरटेक का टेक्निकल मीनिंग है सेम एक्स, एक्स की वैल्यू सेम है, तो दोनों में एक्स की वैल्यू सेम तो सिर्फ एक ही बार हो रही है, यहां पर रेड पॉइंट पे कहां पर ओवरटेक कर रहे हैं पता चल रहा है तुम्हें, है ना, एक्स की वैल्यू सेम तो इसी पॉइंट पे हो रही है, तो यहां पर ये ओवरटेक करेंगे, ठीक है ये भी हो गया, बस वंस ओनली वंस ट्वाइस नहीं वंस, तो ये पूरा हो गया, चलो ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें रिलेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले मैंने हल्का सा लगाना शुरू कर दिया मगर वो भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड ऑल्सो, ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है सारे क्वेश्चन, अब वीटी ग्राफ है, देखो एक एक्सटी ग्राफ हो गया, ये परफेक्ट डीपीपी है, उसके बाद एक वीटी ग्राफ हो गया, तो सारा ही कवर हो गया इसमें, पार्टिकल और एटी ग्राफ का ज्यादा आता नहीं है नीट में, अ पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर, तो पहले तो डिस्टेंस निकालने के लिए सारे एरिया पता करने पड़ेंगे, तो ये वाला और ऊपर ही है सब, कोई दिक्कत नहीं, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस, बेस टू हो गया, हाइट, हाइट टू हो गई, तो टू टू जा फोर डिवाइडेड बाई टू, यानी टू आएगा, ये सीधा लिख देता हूँ, और इसका लेंथ इंटू ब्रेथ टू टू जा फोर, ठीक है इसमें चाहे तो ट्रेपेजियम लगा लो या ट्राइंगल कर लो जैसा भी है, तो ये जो है ये वाला रेड वाला एरिया कितना हो जाएगा, वन इंटू टू, टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है वन, और हाइट कितनी है इसकी एट,
ठीक है, 8 इंटू बेस कितना 1 है, हाइट कितनी है 8, ठीक है, 8 इंटू 1 उसका आधा कितना हो गया 4, हाँ तो ये 4 समझ आ रहा है ना। इसका कितना, इस वाले का देख लो, इस वाले का बड़े वाले का, पर वहां पे 4 और 5 में 2 कैसे आए, कहां पे, यहां पे, कौन सा, ये वाला, ये देखो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 1 है, ब्रेथ कितनी है 2 है, यहां पे लेंथ कितनी है 2 है और ब्रेथ कितनी है 2 है, ठीक तो है, सिंपल ट्राइंगल का एरिया, यहाँ पे हाफ ट्राइंगल में हाफ कर दोगे बस लेंथ इंटू ब्रेथ का, तो यहाँ पे 10 में से 5 गया कितना जाएगा 5 और इंटू 10 5 इंटू 10 50 उसका हाफ कर दो 25, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है 25, तो ये 25 हो गया, तो ओवरली निकाल लो जैसे कुछ ज्यादा, आई थिंक ये पता ही होगा कि 25 हो गया, ठीक है, तो इसका 4 हो गया, मैं उसके अंदर अंदर लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो ये हो गया 4 है ना। सर ये 4 कहां से आया, ये 4, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 4 टू 4 में, यहां से लेंथ कितनी है 2 है, ये लेंथ कितनी होगी 2 होगी और ब्रेथ कितनी है 2, तो इसका एरिया क्या होता है, नहीं वो ऊपर वाला, ऊपर वाला हाफ कितना, हाफ बेस कितना है, ये बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 1 उसका हाफ कर दो, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, तो इसका ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 10 माइनस 2 8, ये वाली डिस्टेंस कर्सर देखो, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5 माइनस 4 1, तो 8 इंटू 1 1 होगा उसका हाफ कर दो 4, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी वैसे ही है 2 इंटू 2 4, मगर उसका आधा कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो सबका मैंने गोले में लिख लिया, तो टोटल डिस्टेंस तो फिर बाकी, हाँ टोटल चाह इसको ऐड कर लो, टोटल 37 आ रहा है, 4 2 8 2 10 4 14 हाँ 14 37, तो ये 37 मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी, मीटर पर सेकंड इनटू सेकंड मीटर हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट एरिया की नहीं होती, जैसे ध्यान रखना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, नहीं यहाँ पर इस यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया तब आएगा जब इधर भी मीटर हो इधर भी मीटर हो तब मीटर स्क्वायर आएगा, मगर इधर अगर सेकंड हो और इधर अगर मीटर पर सेकंड हो तो इस तरफ की यूनिट को इस तरफ की यूनिट से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, जब इधर भी मीटर होता है और इधर भी मीटर होता है यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मीटर में होता है एक्स के अलॉन्ग भी मीटर में होता है तब आंसर मीटर स्क्वायर आता है, मगर जब एक्स के अलॉन्ग सेकंड है वाई के अलॉन्ग मीटर पर सेकंड है जब इनको मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड तो मीटर में आएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 37 निकाल चुके हैं हम लोग और टोटल टाइम कितना है ऑब्वियसली 10 सेकंड है, 10 है ना, साफ साफ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर पर सेकंड। इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एसेलेरेशन इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, तो ऑब्वियसली किस पार्ट में मैक्सिमम होगा, ये आराम से जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा 4 टू 5 सेकंड में मैक्सिमम होगा, और तुम लॉजिक तो समझ ही गए होगे कि स्लोप मैक्सिमम है, ठीक है, हर जगह स्लोप, हां 5 टू 10 सेकंड में, 5 टू 10 में चेक कर लो ना, चेक कर लेते हैं दोनों को, चेक कर लेते हैं यहां पे पहले 4 टू 5 सेकंड में, क्योंकि तीन वाले में एक्सेलरेशन सिर्फ तीन पार्ट में है, तो पूरा ही चेक कर लो, इतना दिमाग क्यों लगा रहा, पूरा ही चेक कर लो, यहां पे देखो, यहां पे तो वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पे चेक नहीं करना, तो सिर्फ हमें ओए में चेक करना है, बीसी में चेक करना है और इसमें चेक करना है, तो यहां पर एक्सेलरेशन देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको, तो आराम से चेक हो जाएगा, वहां पर तो 1 ही होगा ना, हां यहां पे तो 1 ही होगा, इस पार्ट में एक्सेलरेशन निकालते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मैं अलग से लिख देता हूं, a1 is equal to इसका स्लोप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यहां पे 1 होगा, यहां पे चेक कर लो, यहाँ पे और इसमें पॉजिटिव होगा प्लस 1 होगा, है ना, इसमें a2 कितना होगा, a2 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 और डिवाइडेड बाय कितना 1, यहाँ पे 8 हो जाएगा, yes, sir, और यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि स्लोप नीचे की तरफ आएगा ना, ऐसे एंगल नीचे की तरफ आएगा, मतलब वो रिटार्डेशन होगा, तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू माइनस पहले से ही लिख लो माइनस और परपेंडिकुलर, बाकी सब माइनस लगाने के बाद फिर कुछ भी करो, फिर एंगल कोई भी निकालो, है ना, 10/5/2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गए।
ठीक है, तो इसीलिए सबसे बढ़िया वाली बेसिक बीपी। इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एसिलेशन इज मैक्सिमम एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी यहाँ पे। हाँ, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इससे। और रिटार्डेशन कौन से पार्ट में है, इस वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में, है ना, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो चलो आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हो गया, एंड आई होप लास्ट क्वेश्चन है, चलो बस इसके बाद खत्म करते हैं। कल अगली, कल वो फिर से, कल अंडर ग्रेविटी वाली करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल वाली करेंगे, जिस सीक्वेंस है अंडर ग्रेविटी में 9 क्वेश्चन है शायद, है, तो कल अंडर ग्रेविटी लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे फिर खत्म करते हैं। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे, तुमको पोस्ट नहीं करना है, खुद से देखना है। इसमें रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव, जैसे फोर्स अगर वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अब मैं बहुत तरीकों से समझा सकता हूँ, जैसे कोई चीज, अब प्रैक्टिकली समझो, अब ज्यादा अच्छा है क्योंकि फोर्स कंसेप्ट आ गया है, है ना। अगर तुम्हारे घर में कोई कोई कार है, वो अगर उस कार को चला रहा है, मतलब कोई चला रहा है, तुम उसको पीछे से खींचने की कोशिश करो, है ना, कार आगे की तरफ जा रही हो, तुम उसको रोकने की कोशिश करो, तब रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब है कि वेलोसिटी और फोर्स, एक्सेलरेशन बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्ट डायरेक्शन नहीं आती है, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो अब आराम से समझ लो, अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, कोई चीज आगे चल रही है और तुम पीछे की तरफ खींच रहे हो, तो रिटार्डेशन होगा। और कोई चीज जिधर चल रही है उधर ही धक्का दे रहे हो, ठीक है, कोई चीज जिधर चल रही है उधर ही धक्का दे रहे हो, तो एक्सेलरेशन होगा। यानी अगर वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिटार्डेशन। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो रिटार्डेशन होगा, ये गलत है। ठीक है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब भी रिटार्डेशन होगा। यानी फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट हो तो रिटार्डेशन। और अब प्रैक्टिकली समझो ना, तुम चलती हुई कार को अगर पीछे की तरफ खींचोगे, कोई बच्चा आगे की तरफ भाग रहा है, उसको पीछे की तरफ खींचोगे तो वो रुकने लगेगा, उसको उसी तरफ धक्का दोगे तो गिर जाएगा, तेज हो जाएगा, है ना। सिंपल एग्जांपल और ले सकते हो, कोई दौड़ रहा हो उसी की तरफ उसको धक्का दो तो, है ना, समझ आई बात, ये है। तो किसी चलती हुई चीज को रोकना, अभी बहुत अच्छा आंसर आया दिमाग में, किसी चलती हुई चीज को रोकना रिटार्डेशन, और किसी रुकी हुई चीज को चलाना एक्सेलरेशन, ये एक बेसिक एग्जांपल हो सकता है ना। प्रैक्टिकली थिंक करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। चलो बहुत हो गया। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, लिटिल बिट ज्यादा ही हो गया, वेट, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसकी यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें सुबह की क्लास बहुत कंपलसरी नहीं है, अगर तुमने डीपीपी आ गई है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, सफिशियंट है। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू जीरो, एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, फॉर 5 सेकंड, ये 5 सेकंड के लिए मूव करती है, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस। ये कह रहा है ग्राफ से टोटल डिस्टेंस निकालो, ग्राफ से निकाल लेते कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राफ कौन से ग्राफ से निकालेंगे, वीटी ग्राफ से निकालेंगे, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ऐसे नहीं निकालना है, ग्राफिकल एनालिसिस से निकालना है, तो फिलहाल मैं रफ ग्राफ ही बनाता हूँ, ऐसा भी दिमाग, तो ऑब्वियसली वीटी ग्राफ ही बनाएंगे क्योंकि डिस्टेंस उसी से निकलेगी। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। आपने एक लाइन वो रीड नहीं की वहाँ पे। हाँ, एक लाइन रीड नहीं की, ड्यूरिंग 10 सेकंड्स इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, ड्यूरिंग, हाँ, ड्यूरिंग 10 सेकंड, अच्छा पहले, अच्छा याद दिलाया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना, फर्स्ट 5 सेकंड, हाँ, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, मुझे लगा कि इतना सही है, पहले बता दिया वरना छोटा रहता। चलो हाँ, तो अब इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं, तब तो ग्राफ से ही सॉल्व करना बनता है। और ऐसे अगर अलग अलग तरह की चीजें हो रही हो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, तो ग्राफ बेस्ट होता है। तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से स्टार्ट करो, ठीक है, एक सेकंड,
स्टार्ट करो और उसको जो है चलाओ. उसके बाद 5 सेकंड तक इसका कांस्टेंट एसिलेशन, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा. ये 5 सेकंड तक होगा. दिस इज अप टू 5 सेकंड. उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट होगी 10 सेकंड तक. ठीक है, मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं तो तुम्हें थोड़ा सा फीलिंग आएगी. उसके बाद 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. तो ये 10 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है. हाँ, वो फिर कांस्टेंट है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यूजिंग ग्राफिकल एनालिसिस. इसके बाद नहीं दिया है. इसके बाद ड्यूरिंग, हाँ, 10 सेकंड बोला है तो वहां से और 10 सेकंड नहीं होगा. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 सेकंड. हाँ, अच्छा बताया, वेरी गुड, शाबाश. इसी के लिए तो मोगेम्बो खुश हुआ. हाँ, वरना गलत हो जाता. शाबाश. यही सब चीजों के लिए तो मैं जो है, हाँ, नेक्स्ट 10 सेकंड है क्योंकि मैं यही सब चीजें मिस करता हूँ. तो एक्चुअली में ये 15 सेकंड हो जाएगा और यही सब चीजें मिस करती हूँ, मैं गलत आंसर आएगा. हाँ, एकदम सही है. नेक्स्ट 15 सेकंड है ना. नेक्स्ट 10 सेकंड का मतलब आगे का 10 सेकंड और. ठीक है, बस इसके बाद तो इसने पूछा नहीं, 15 सेकंड ने दी बोला, बस हो गया. फिर इसमें और क्या करना है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस. तो ये हरी वाली डिस्टेंस क्या होगी, हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट. तो बस इस तरह के ग्राफ में यहां पे देख लेना कि एक्स टी ग्राफ है तब हाफ बेस इनटू हाइट मत करने लगना मेरी तरह. ठीक है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में क्या जल्दी जल्दी जो है लोग यही करते हैं, वो समझते हैं क्योंकि ये ज्यादा आता है ना बी टी ग्राफ. तो हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरो भी नहीं लगाता हूँ ना, इसके अंदर ही लिख देता हूँ फालतू में. इसको जब मैं जूम कर सकता हूँ ना तो फालतू में एरो लगा देता हूँ. रुक जाओ, हाँ, इसी के अंदर लिख दूंगा थोड़ा सा. तो हाफ बेस इनटू हाइट कितना हो जाएगा, बेस 5 है. कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 फॉर 5 सेकंड ड्यूरिंग द 10 सेकंड. तो वेलोसिटी निकाल लो, ये वेलोसिटी निकाल सकते हो. v इज इक्वल टू u प्लस at से, है ना. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 10, है ना. देख लो 10 ही तो है, 10 मीटर पर सेकंड है. इनटू टाइम कितना है 5, तो ये 50 आ जाएगी वेलोसिटी. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, आई होप अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 5, पहले 5 इनटू 50 कर लो. 5 इनटू 50 कितना हो गया, 250, और 250 का आधा कितना हो जाएगा, 125. ये समझ आया ना, ये हरा वाला 125 मीटर हो जाएगा. अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 10 है, ये साइड 10 हो गई 10, ये साइड ब्लू से कर लेता हूँ, एक सेकंड. ये साइड इतनी वाली, ये इतनी वाली 10 हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी, ये 10 मीटर हो जाएगी. और वर्टिकल वाली कितनी हो गई, 50. तो 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 500. टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 125 यानी 625 मीटर. ये आंसर है. आई होप ये पूरी डीपीपी डिस्कस हो गई. और ये सचमुच बहुत अच्छी डीपीपी है, इतने क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, मतलब एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो इसमें, मतलब एकदम नीट के लिए एकदम परफेक्ट है. एक चीज भी ऐसी नहीं जो इसमें छोड़ा हो, सारे ग्राफ के क्वेश्चन कवर हो गए इसमें. ठीक है, इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी की, पहले इसको मैं पूरा करूंगा, है ना. सभी जेई वाले नीट वाले सब इसी को करें. हाँ तो अब जल्दी से बता दो आप, रिवीजन अलग से भी हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, है ना, सेपरेट रिवीजन, जिसका कोई रिवीजन करना है. तुम खाली, तुम्हें करना क्या है कि मेरे पुराने वीडियोस पे जाना है, वहां पे जहां पे ग्राफ वाला तुम्हें मिल जाएगा कि ये टॉपिक मैंने कहां पे पढ़ा है, तो बस उसको उस टॉपिक, या मुझे बता दो ये टॉपिक रिवाइज करना है, मैं स्क्रॉल करके जल्दी जल्दी रिवाइज कर दूंगा. चलो इसको बंद करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, फिर जो